और अभी एक प्रॉब्लम हो गया, चिकन तुपका। तो अभी अपन चलाने जा रहे हैं डोमिनार। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। और अभी हम लोग जा रहे हैं एमजी रोड की तरफ। और अभी मेरा गोप्रो सेटअप जो है फाइनली वापस आ चुका है। और ये रहा, हम लोग कॉल स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा वाला भी रेडी हो चुका है एकदम। बाइक का हालत देखो, कल गुरुदंग वरम वर करके एकदम हालत ख़राब हो गया है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। क्या फ़ोटो है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो? हाँ है। हाँ आधार कार्ड है लेकिन जेरोक्स नहीं है, जेरोक्स करवाना पड़ेगा। तो अभी सोच रहे हैं हम लोग ईस्ट कवर करने की, पर अभी तक श्योर नहीं है। अगर कवर करेंगे तो अब श्योर व्लॉग देखोगे। तो चलो निकलते हैं यहाँ से एमजी रोड की तरफ। मैं आपसे मोटो व्लॉग में बात करता हूँ, चलो। हेलो ब्रो। तो चलो इधर से निकला जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं गैंगटॉक एमजी रोड की तरफ। आज हम लोग सोच रहे हैं कि गैंगटॉक सिटी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी बहुत, जहाँ जहाँ कुछ व्यू पॉइंट है, ताशी फॉल्स ऐसे कुछ व्यू पॉइंट है, वो सभी एक्सप्लोर करेंगे सोच रहे हैं। और कल देखते हैं क्या करते हैं। और राइड में अभी तक काफ़ी मज़ा आ रहा है एकदम। गुरुदुगमा लेक कवर कर लिया, ज़ीरो पॉइंट कवर कर लिया, लाचेन लाचुंग सब कवर कर चुके हैं। पर अफसोस में गुरुदंगमार और ज़ीरो पॉइंट का व्लॉग अच्छे से नहीं बना पाया, क्योंकि जैसे कि आप मैंने व्लॉग में बताया था कि मेरा जो कैमरा था वो ले लिया गया था, गोप्रो उधर अलाउ है ही नहीं। और उनका भी गलती नहीं, वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो कैमरा ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी के लिए वो लोग रखते हैं, जो कि करना भी चाहिए आई गेस। एंड फाइनली वी आर एट गैंगटॉक सिटी। सपना था यार यहाँ एक बार आने का, वो भी खुद की स्कूटी या बाइक लेके, जो भी हो। और ये आज ये सपना पूरा हो गया। सिर्फ सपने देखने चाहिए, अगर सपने नहीं देखोगे तो वो पूरे कैसे होंगे? ठीक बोला ना मैंने? इधर से अभी यहाँ से लेना है हम लोग को राइट टर्न। चलो बताया। चलो तो हम लोग अभी एमजी मार्ट से निकल गए हैं। निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं ताशी, और मेरे आगे है संपत और संदीप। और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आई। और अभी एक प्रॉब्लम हो गया गुरुदंगमार में, जो रास्ता ख़राब होने की वजह से मेरा जो गोप्रो का माउंट है वो टूट गया। अभी पता नहीं यहाँ पे माउंट्स मिलेंगे कि नहीं एक्शन कैमरा के, मिलना तो चाहिए, पर लेट्स सी। अभी पता नहीं मुझे एंगल भी कैसा आ रहा होगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी पता चला है कि ईस्ट सिक्किम में स्कूटी अलाव है ही नहीं, आप स्कूटी लेके नहीं जा सकते। गुरुदंगमार में मैं लेके गया क्योंकि मेरे पास स्पेशल परमिशन था लेके जाने का, इसमें ले जा पाया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे स्पेशल परमिशन। और ये सब जो ताशी व्यू पॉइंट है वो सब गैंगटॉक सिटी के अंदर ही है, तो इसकी वजह से इजीली आप एक दिन में कवर कर सकते हो। ज़्यादा किलोमीटर है नहीं, 5 किलोमीटर से शायद गैंगटॉक मार्केट से। बट सर ताशी व्यू पॉइंट सीधा? अच्छा थैंक यू। आप यूजुअली मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे कि मैं रात को वीडियो एंड नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली हम लोग
नाइट राइड करते हैं बहुत ज़्यादा। आई नो नाइट राइड नहीं करना चाहिए बट स्टिल हम लोग के पास टाइम कमती होता है तो हम लोग को नाइट राइड करना पड़ता है, तो आते आते काफ़ी लेट हो जाता है और उसके बाद थक के जो वीडियो फिर से कैमरा ऑन करूँ उतना दिल ही नहीं होता और कभी कभी चार्ज भी नहीं होता कैमरा। एक चीज़ नोटिस किया है कि सिक्किम के रोड्स पे आप थोड़ी थोड़ी देर चलाओगे आपको साइन बोर्ड्स मिलेंगे अच्छे अच्छे सेफ्टी के बारे में कोड्स लिखे हुए। एक चीज़ मुझे सिक्किम की सबसे ज़्यादा पसंद आई वह थी चाय। जहाँ भी जाओ आप भाई साहब चाय जो एक बढ़िया मिलती है ना एकदम दिल खुश हो जाता है चाय पी के। चाय मस्त है तो खाना भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है बट चाय मुझे बेस्ट लगी सबसे। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है, आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। अगर आप उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगोगे भी तो एकदम अच्छे से बोलेंगे, आपको गाइड भी करके देंगे ज़रूरत पड़ने पर। तो वो रहा ताशी व्यू पॉइंट का। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ताशी व्यू पॉइंट एंट्रेंस की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ वहाँ पर रिपोर्ट करके आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं ऊपर में फिर देखते हैं क्या आता है। आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा यहाँ से, क्लाउड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं यार यहाँ से। सो फाइनली वी आर एट ताशी व्यू पॉइंट और यहाँ का व्यू अच्छा है, मज़ा है, नेचर लवर लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे ऊपर आने के लिए आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तभी आप ऊपर आके ये व्यू इंजॉय कर सकते हो। तो चलो देखते हैं थोड़ी बहुत टाइम लैप्स निकालते हैं अगर हो पाता है तो। यहाँ पे संदीप के संपर्क फ़ोटो लेते हुए मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा। चलो देखते हैं अगर कुछ टाइम लैप्स निकलता है तो टाइम लैप्स लेते हैं। चलो खा रहे चिकन टुक्का, चिकन टुक्का नहीं ना, चिकन टुक्का, चिकन टुक्का, टुक्का 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 टुक्का, चिकन टुक्का टुक्का। तो हम लोग खा रहे चिकन टुक्का और ये संपद इंजॉय करते हुए और इसका आया नहीं अभी तक भी और ये सिक्किम स्पेशल है तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। आज एकदम फूड व्लॉग होगा कंप्लीट। चलो और हमारे पास है चिकन चिली मोमो, लुक्स रियली डिलीशियस। संदीप भाई 7 of 10 मस्त है। तो अभी अपन चलाने जा रहे हैं डोमिनार स्कूटी से डायरेक्ट डोमिनार। लेकिन इस ट्रिप के बाद मुझे डोमिनार से बहुत प्यार हो गया यार, कुछ भी बोलो क्या मज़ा का परफॉर्म करती है। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ डोमिनार पे और स्कूटी चलाने के बाद डोमिनार ये भारी लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा, घुमाने में प्रॉब्लम हो रहा है बट कोई नहीं अपन भी बाइकर है। तो फाइनली अपन चला रहे हैं डोमिनार 250। मज़ा है, बहुत मज़ा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश टॉप पे। अगर आपका बजट टाइट है, आपको एडवेंचर पसंद है, टोड़ करना पसंद है तो आप आँख बंद करके डोमिनार 250 उठा लो। 400 का अगर आपका पास बजट है नहीं, काफ़ी इंजॉय करोगे राइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये डोमिनार गुरुदोंगमा लेक करके आई है, आराम से आप 900 में क्रूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाइक में तो कैपेबिलिटीज़ है भाई।
सडनली इतनी हल्की स्कूटी चला के इतना भारी बाइक पकड़ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, बट कोई नहीं, तो 1 या 2 किलोमीटर्स में एडजस्ट कर लूँगा अपने आपको। यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग करने की मौका समझ में ही नहीं आया यार, समझ में ही नहीं आया, कुछ फील ही नहीं हुआ मुझे यार। और हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, ये रहा गणेश टॉप में, गणेश मंदिर है शायद। तो चलो बाइक पार्क करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।